रेनबो सेवन चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आज आपको लिए चलते हैं भारत के सबसे खूबसूरत राज्य हिमाचल प्रदेश की स्नो सिटी मनाली में, जहां अभी स्नोफॉल सुबह से ही चल रहा है और उसका लाइव वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कल मैंने इससे पहले वाला वीडियो अपलोड किया था जिसमें बताया था कि कल स्नोफॉल होने वाला है और उसके प्रमाण में, एविडेंस में आपको मैं यहाँ स्नोफॉल का वीडियो लाइव दिखा रहा हूँ। शायद आपको पसंद आएगा, घर बैठे आप स्नोफॉल का आनंद ले पा रहे होंगे, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले, इस इतनी ठंड में हम काम कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो आप इसको अभी लाइक कीजिएगा, हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। तो मनाली के अंदर देखिएगा स्नोफॉल है, बहुत ज़्यादा हो गया, 4-5 दिनों से स्नोफॉल लगातार हो रहा है और उसका अपडेट हम लगातार आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और जो पर्यटक है, सैलानी है, वो बहुत खूब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। मनाली सफ़ेदी की चादर में लिपटा हुआ बहुत ही सुंदर स्वर्ग जैसा नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब आपको बता दें कि स्नोफॉल के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका वीडियो मैं आई बटन पर लगा रहा हूँ। यदि आएँ, मनाली आएँ या कहीं भी स्नोफॉल देखने जाएँ, तो आपके लिए वो जानकारी उपयोगी, ऊपर आई बटन पर जरूर देखिएगा। दूसरा अपडेट यह है कि मनाली के अंदर जो स्नोफॉल हो रहा है तो उससे गुलाबा बंद कर दिया गया सड़क पर, बहुत ही ज़्यादा स्नो होने के कारण आप 4x4 गाड़ी से नेहरू कुंड तक जा सकते हैं। नेहरू कुंड वहाँ एक पर्यटन स्थल है, गुलाबा के रास्ते में ही पड़ता है। और सोलांग वैली भी 4x4 जिप्सी के जो गाड़ी है, 4x4 जिप्सी गाड़ी है वो जा रही है और अन्य सामान्य गाड़ी नहीं जा रही है। तो वहाँ जाओगे तो आपको गाड़ी फिसलने का डर रहेगा, तो वहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी न ले जाएं। यदि आपकी गाड़ी 4x4 है तो वो ज़रूर आप वहाँ ले जा सकते हैं। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और मेरे वीडियो का टाइम निश्चित नहीं है, जब भी स्नोफॉल लगती है तो मैं चालू हो जाता हूँ अपना वीडियो कैमरा लाइव करके या जैसे भी आपको, तो ये नोटिफिकेशन आप इनेबल कर लें तो आपको तुरंत वीडियो की सूचना मिल जाएगी। ये मनाली का हृदय, हार्ट ऑफ मनाली माल रोड है, वहाँ सैलानी बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अपनी यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए मोबाइल के माध्यम से फोटोएं, वीडियो जो भी बन पा रहा है एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ। कितनी स्नोफॉल हुई है और हो रही है देखिएगा। यहाँ एक कमेंट बार बार आता है हमारे कि अगली स्नोफॉल कब होगी, तो यह मैंने इससे पिछला वीडियो उसमें बता दिया गया है। और जैसे ही कोई अपडेट प्राप्त होती है तो मैं चैनल के माध्यम से सभी को सूचित करता हूँ, व्यक्तिगत सूचना उपलब्ध कराना मेरे बस की बात नहीं है, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न ये पूछा गया कि मनाली में होटल अवेलेबल है कि नहीं। मनाली में होटल अवेलेबल है, आते समय जब आप रवाना हो तो ऑनलाइन बुक कर लें तो अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा होटल करें, आपको जो भी उचित लगे तो आप वहाँ से ऑनलाइन बुक कर लें, यहाँ भी आकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होटल अवेलेबल है। तो दूसरी बात है, होटल में कौन कौन सी सुविधा आप लें। अभी जो टेम्परेचर है वो नाइट को 10 डिग्री तक जा रहा है, -10 डिग्री तक या 12-15 डिग्री तक जाता है। तो ऐसे में आपको एक तो गीज़र की सुविधा लेनी होगी और एक रूम हीटर। रूम हीटर बिना आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन ज़्यादा फ्रिक्वेंसली पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि बच्चों को साथ लेकर आए कि नहीं आए। तो मेरी राय, पर्सनल राय है कि 10-12 डिग्री माइनस में आपके बच्चे
या गार्जियन कई बार कहते हैं कि सीनियर सिटीजन है उनको साथ लेकर आए कि नहीं आए, तो -12 डिग्री में आपके बच्चे सीनियर सिटीजन सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आप अच्छी तरह से जानते हो। यदि वो सर्वाइव कर पा रहे हैं तो आप उनको भी साथ ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप न लाएं तो अच्छा रहेगा, वो आपके ऊपर है। माल रोड से नज़दीकी पर्यटन स्पॉट्स कौन से हैं उन पर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आई बटन पर लगा रहा हूँ, जिसमें आप पैदल भी घूम सकते हैं, टैक्सी के द्वारा भी जा सकते हैं। तो इसके नज़दीक नज़दीक है जो एक दिन में कवर किया जा सकता है उनकी मैंने लिस्ट बनाई है, उनके बारे में डिटेल ऊपर लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। कईयों का कमेंट आ रहा है कि आप दिल्ली मनाली के वीडियो पोस्ट करें, तो ये संभव नहीं है। जैसे ही कोई लगता है कि स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल होने वाला है, ऐसे में मैं वीडियो लगा देता हूँ, डेली अपडेट संभव नहीं है। एक अन्य क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फरवरी में, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में कब तक स्नोफॉल होता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पिछले वर्षों के आंकड़े मायने नहीं रखते। ये कई सालों से ऐसी स्नोफॉल अब की बारी हुई है, बहुत भारी स्नोफॉल अब की बारी हुई है, तो पिछले वर्षों के आंकड़े मायने नहीं रखते। इसलिए जो आपको अपडेट उपलब्ध कराई जाती है चैनल के माध्यम से कब स्नोफॉल होगा, तो उसको आप आधार मानकर आ सकते हैं। साथ ही आपको चेतावनी दी जाती है कि आपका मोबाइल से भी आप उसको चेक करते रहें, रवाना होने से पहले, मनाली आने से पहले उसको चेक करके कन्फर्म जरूर कर लें, क्योंकि मौसम परिवर्तन का विषय है, मौसम में परिवर्तन बदलाव कभी भी हो सकता है। इसलिए मेरे जो अपडेट है कि स्नोफॉल होगा इस तारीख को, वो उसको आप पूर्णतया सत्य न मानकर अपने विवेक से काम लें। तो गुलाबा और सोलांग वैली में जो स्नोफॉल हुआ है उसका एक मैं शानदार वीडियो यहाँ लगा रहा हूँ ऊपर आई बटन पर, देख लीजिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। मेरे हिसाब से मैंने बढ़िया बनाने का प्रयास किया है, ऊपर देखिएगा, यह है सुबह का स्नोफॉल का नज़ारा। तो स्नोफॉल हो गई चालू मनाली में, स्नोफॉल चालू होती है पहले रोहतांग पास, गुलाबा, सोलांग वैली, इनमें पहले चालू होती है, या कभी कभी ऊपर रह जाती है, नीचे नहीं आ पाती है। और जो ये ऐप है जितने भी वेदर के फोरकास्ट के, वो बता देते हैं कि मनाली में स्नोफॉल हो रही है, तो उससे क्या होता है कि हम 100% तक बता दिया जाता है कि स्नोफॉल होगी, लेकिन वो माल रोड पर नहीं होगी या सोलांग वैली में नहीं होगी। आप जहाँ तक पर्यटक जा सकता है, सैलानी जा सकता है, वहाँ स्नोफॉल नहीं मिलेगी, तो वो मान लिया जाता है कि स्नोफॉल नहीं हुई, लेकिन ऊपर वाले इलाकों में स्नोफॉल होती है, एक्चुअल में ये होता है। तो स्नोफॉल देखना हर किसी का एक सपना होता है, उस सपने को पूरा करने के लिए ही लोग मनाली आते हैं। मनाली स्नो सिटी के नाम से जाना जाता है, जो आजकल एकदम सफ़ेद रंग में आवृत होकर बहुत ही सुंदर स्वर्ग जैसा नज़ारा प्रस्तुत कर रहा है। और रास्तों की बात कर दूँ तो रास्ते मनाली आने वाला, दिल्ली चंडीगढ़ मनाली वाला रास्ता एकदम खुला है, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रशासन तैयार रहता है, हाथों हाथ उस रास्ते को खुलवा दिया जाता है, यदि लैंडस्लाइड हो जाता है तो उसको हाथों हाथ खुलवा दिया जाता है, तो उसमें चिंता ना कीजिए। हाँ, गुलाबा बंद है, सोलांग वैली 4x4 से आप जा सकते हो, ये मैंने हर वीडियो में बता देता हूँ कि ट्रैफिक क्या रहने वाला है, तो आप यहाँ आना चाह रहे हो तो आ सकते हो। मैंने एक 31 जनवरी की घोषणा कर चुकी है कि इसमें स्नोफॉल होगा वो, लेकिन अभी कन्फर्म मैं उसको नहीं मान रहा। अब आपको मनाली घूमने के लिए यदि टैक्सी की ज़रूरत हो किफ़ायती रेट पर, तो स्वागतम ट्रेवल एजेंसी आपके लिए हाजिर है, तो उसके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, तथा कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे सुझाव वो ज़रूर लिखिएगा, और एंड स्क्रीन पर आ रहे इन वीडियो को आप ज़रूर देख लें।
आपको अच्छा लगे तो इनको भी आप शेयर कीजिएगा वीडियो देखने।